हजूर साहिब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। हजूर साहिब टुडे में आपका स्वागत है। पालक मंत्री गिरीश महाजन से गुरुद्वारा एक्ट कलम 11 के संशोधन रद्द करने हेतु लगाई गई गुहार। नए पालक मंत्री से जागी न्याय की उम्मीद। समाचार विश्लेषण करते हैं। बहुचर्चित और प्रलंबित विषय गुरुद्वारा तखत सचखंड बोर्ड कानून 1956 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए पिछले संशोधन रद्द कर गुरुद्वारा अध्यक्ष चयन के अधिकार गुरुद्वारा बोर्ड के 17 सदस्यों को सौंपने की मांग नांदेड़ जिले के नए पालक मंत्री श्रीमान गिरीश महाजन से सरदार रविंद्र सिंह मोदी ने की। पालक मंत्री ने विषय पर विचार करने का दिया आश्वासन। गौरतलब है कि नांदेड़ जिले के पालक मंत्री श्रीमान गिरीश महाजन शुक्रवार की सुबह नांदेड़ स्थित गुरुद्वारा तखत सचखंड श्री हजूर अब्तनगर साहिब पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय सिखों के शिष्टमंडल से विविध विषयों पर चर्चा भी की। इस समय सरदार रविंद्र सिंह मोदी द्वारा गुरुद्वारा बोर्ड एक्ट 1956 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए 2015 के संशोधन को रद्द करने का विषय पालक मंत्री की जानकारी में लाया। यह विषय विधानसभा में संशोधन हेतु रखे नहीं जाने से सिखों की धार्मिक संस्था सरकार के अधीन हो चली है। बोर्ड के अध्यक्ष का चयन बोर्ड के 17 सदस्य को मिलना चाहिए, ऐसी मांग उन्होंने पालक मंत्री से की। चर्चा के दौरान पालक मंत्री ने कहा, इस विषय की जानकारी मंगवाई जाएंगी, विषय पर जरूर विचार किया जाएगा। सरदार रविंद्र सिंह मोदी द्वारा पालक मंत्री को संक्षिप्त में विषय समझाने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर नांदेड़ के सांसद श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर, भाजपा महानगर अध्यक्ष श्री प्रवीण साले, श्री संतोषराव हंबर्डे, महानगर उपाध्यक्ष सरदार राजेंद्र सिंह पुजारी, गुरुद्वारा बोर्ड पूर्व सदस्य एडवोकेट अमृत सिंह वासरीकर, सरदार रंजीत सिंह गिल, सरदार प्रीतपाल सिंह शाह, डॉक्टर अजीत गोपछड़े भी उपस्थित थे। विधानसभा में पूरे दुनिया में इस स्थान का अलग महत्व है और इसलिए खुशी है कि पालक मंत्री होते से पहली बार मैंने यहाँ के दर्शन किए। मुझे लगता है यहाँ से मुझे शक्ति मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी और अच्छा काम नांदेड़ शहर के लिए, इस धार्मिक स्थल के लिए, गुरुद्वारा के लिए मेरे हाथ से होगा। उल्लेखनीय है कि गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड संस्था के कानून 1956 में सरकार द्वारा वर्ष 2015 फरवरी के विधानसभा अधिवेशन में कलम 11 में संशोधन कर बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति के अधिकार सरकाराधीन कर लिए गए थे। सिख समाज पर हुए इस अन्याय के खिलाफ बार बार आवाजें उठाई गई, आंदोलन किए गए। राजनीतिक पार्टियों ने भी इस विषय पर आश्वासन दिए, नेताओं ने भी आश्वासन दिए, लेकिन विधानसभा के पटल पर विषय प्रस्तुत करने की स्वच्छंदता किसी ने नहीं दिखाई। हर अधिवेशन से पूर्व सिख समाज मांग उठाता है और नेतागण उसे नज़रअंदाज करते हैं। अब ये विषय नए पालक मंत्री के पाले में है। जिस तरह से गुरुद्वारा बोर्ड पर लादा गया 61 करोड़ का कर्ज माफ़ कर दिया गया, उसी आधार पर शिंदे सेना और भारतीय जनता पार्टी भी गुरुद्वारा एक्ट बोर्ड में स्वतंत्रता बहाल करने के विषय में पहल करे, ऐसी गुहार सरदार रविंद्र सिंह मोदी द्वारा की गई है।